उज़्मा साहिबा अगेन जो सी एम के पी के ने किया उसको मेरा नहीं ख्याल हम इंडोर्स किसी भी सूरत जो है वो कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, शहर के अंदर हमने जब अपने रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि जगह जगह चेक पोस्ट हैं बट इस तरह कोई रुकावटें नहीं हैं, मतलब कंटेनर्स नहीं हैं। क्या वजह है कि टोल प्लाजा जो है रावी का हो, उसके बाद कालाशाह काकू का हो, वहाँ पे जो है वहाँ पे रुकावटें भी क्रिएट की गई, बाबू साबू हो इनको ब्लॉक भी किया गया, रुकावटें भी क्रिएट की गई, आप आने देते हैं उनको? फिर शायद ये 100 बंदा ना ला सकते बकौल आपके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए इनका रोना धोना तो बिल्कुल समझ में आता है, ये आज टोटली वाइप आउट हो गए हैं। पंजाब के लोगों ने इनकी आखिरी रसूमात जो है वो अदा कर दी हैं और इनको हर तरीके से रद्द कर दिया है। इनके इनसे बड़ी ये गलती हो गई, इनको चाहिए था कि ये अपनी रीत रिवायत कायम रखते हुए ये जलसा मुअख्खर कर देते, क्योंकि फिर इनको इतनी शर्मिंदगी और खफगी का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि कोई लाहौर से तो कोई बंदा निकला ही नहीं इनके लिए। और पंजाब के भी जितने लोग इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने जनाब लोगों को कहा था, आपने, कोई बंदा नहीं निकला इनके लिए, रह गया केपी। केपी की सारी सरकारी चीजें जो थी वो गंडापुर साहब, और गंडापुर रह गए गंडापुर साहब। तो अगर वो शायद शहद की बोतल ना इस्तेमाल में लाते तो सुबह वक्त से निकल जाते, लेकिन उन्होंने तो गजब खुदा का अटक जो था उसका जो क्रॉस किया तो उस वक्त 3 बज रहे थे। तो डॉक्टर मारिया, क्या वहां से लाहौर आप पहुंच सकते हैं 6 बजे तक? तो ये तो इन्होंने जानबूझ के किया है, क्योंकि उनको पता था कि वो तो चले मैं भी वही सवाल पूछ रही हूँ जो आप पूछ रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप लोगों ने रावी पे क्यों इम्पेडमेंट, बाबू साबू, कालाशाह काकू, क्या वजह है यहाँ पे इम्पेडमेंट्स क्यों थी? मारिया, डॉक्टर मारिया, सारी जगह मैं खुद घूम फिरी के रात को कंटेनर्स कुछ आए थे लेकिन बिल्कुल रास्ता बंद नहीं किया गया, और आज तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुली इनको छुट्टी दे दी। मैं आपको रावी की विजुअल्स भेज दूंगी, तो आज सारी हर जगह ट्रैफिक रवा दवा थी, कोई सड़क ब्लॉक नहीं थी, कहीं पे ट्रैफिक नहीं रुकी, मैंने खुद देखा, हत्ता के मेट्रो भी रवा दवा वो भी चल रही थी। जो मैं आपको रावी के जो विजुअल्स हैं वो भेज दूंगी, हर जगह कालाशाह काकू के विजुअल्स भेज दूंगी। शुएब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शुएब साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, आप पूरे लाहौर के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, आप अपने रिपोर्टर्स की रिपोर्ट आप उठा लें, खुदा के लिए मुंह पे तो झूठ ना बोले, सारे बंद थे, वापसी के रास्ते भी हमारे बंद थे, 2-2 घंटे हम फंसे रहे, यानी जो वापस जाने के रास्ते थे वो भी बंद किए हुए थे, जाने के रास्ते तो बंद थे ही थे, इवन जीटी रोड का रास्ता, रिंग रोड का रास्ता, सारे के सारे बंद थे, और काम जंगलों से पता नहीं घूम घाम के कहां कैसे पहुंचे। यार खुदा के लिए झूठ तो ना बोले, ठीक है आपने बंद किया, जैसे भी किया कुछ किया, देखें आपको कुछ जमहूरी रिवायात का जरा सा भी पास होता, आपने जंगल में हमें फेंका, कोई बात नहीं, आप कम से कम वो रास्तों की बंदिश, जिस तरह इस्लामाबाद के तमाम रास्ते आपने बंद किए फिर भी कामयाब जलसा रहा, आज भी लाखों का जलसा था, विजुअल्स आप उठा के देख लें, और जितना चार्ज क्राउड था, मैं ये समझता हूँ कि ये वो जुनून था इमरान खान की मोहब्बत में लोग निकले, वो भूखे प्यासे 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के लोग आए। यार खुदा के लिए आपने जो करना है करें, लेकिन वो झूठ ना बोले जो सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, और आप कह रहे हो कि बंद नहीं था, और फिर क्यों नहीं आपने मजमे को जाने दिया सारा, यानी सुबह हम पहुंचे कि जी चक्री से आगे ब्लॉक कर दिया उन्होंने, हम फिर उस पे गए दूसरे नेशनल हाईवे पे जीटी रोड पे, और वहां से हम जाके जैसे तैसे करके हम वहां पहुंचे, सारी दुनिया ने वो वीडियोस बनाई है, सारा कुछ वहां मौजूद है, वो उनकी बहन अलीमा बाजी, इमरान खान साहब की बहन, वो कुछ 4-5 किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंची है, और बाकी लोग इस तरह पहुंचे। बात यह है कि ठीक है जो आपने किया वो आपका कंडक्ट है, हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कम से कम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने, आप मीडिया के सामने, जिसके पास तमाम विजुअल्स मौजूद है, और आप यानी आने का, चलो जाने का रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया, वापस आने का रास्ता क्यों बंद कर दिया, वो भी सारे बंद, 2-2 घंटे हम फंसे रहे, और अभी आकर के हम निकले हैं वहां से। बात यह है कि आपको अगर जमहूरी रिवायात का एहसास हो और उसका पास हो, तो आप इस तरह बेशर्मों की तरह
ये जो मैनेजमेंट कर रही है ये ना करती। ये सारा कुछ वो है कि आपको डर है, आपको खौफ है कि लोग आपसे नफरत करते हैं, और उस नफरत का इजहार यूं करेंगे कि लोग जलसों में पहुंचेंगे, जौक दर जौक पहुंचेंगे, और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप इतने ही जमहूरी हैं, आए थे ना आप इमरान खान के जमाने में, आप रेड जोन तक आए, और आपको उठा करके जो महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे, आपने तो गरीबों को ही मुका दिया। आप आए थे ना, कितनी आपके खिलाफ एफ आई आर कटी थी, या इस्लामाबाद में रुकावट बनी थी, बिलावल भी आया, मौलाना फजल रहमान भी आए, सभी आए, और हम इस्लामाबाद में करें 6 महीने लग गए हमें जलसे की एनओसी लेते रहते, और यहाँ एनओसी जिस तरह दिया है रात की तारीख में, और उसके बाद जिस तरह की ये बंदिशें, और आज तक मुझे बता दें कि किसी को 6 बजे से पहले जलसा खत्म करने का टाइम।